जी अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरी ब्लॉगिंग का है चौदवा दिन है और चौदह दिन की मैं ब्लॉगिंग कर और ये सीन है कि कल मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी और उसमें आपको बताया था कि दो दिन की रिपोर्ट आई है और उसमें मेरी हो गई थी जितनी के 11 और 3 14 से हो गई। कल की रिपोर्ट में D3 की अपडेट हुई थी और एक और शेयर आई है D3 से 15 हो गई और 15 अभी D3 पे 3 मैंने D6 पे मैंने अभी 3 और लगाई हैं और तो D6 पे ये है कि अगर दो भी आ जाती हैं तो 15 और 16 17 हो जाएगी। पीछे मेरे लिए रह जाएंगी 15 से और 32 वाला टाइटल करने में। 32 वाले टाइटल पे बनता है जी 2,55,000। तो ये है कि इसी तरह अगर चलता रहा अल्लाह खैर करे तो 32 भी हो सकते हैं जैसे अभी हो रहे हैं काम 35 भी हो रहे हैं। तो ये है कि साथ साथ आपको अपडेट भी करते जाएंगे और बताते जाएंगे कितनी सेल्स हो गई हैं रहती हैं बताया हम। तो ये है कि बाकी जो आपके क्वेश्चन वगैरह हैं वो भी आज कवर करेंगे, थोड़े बहुत देखने भी वीडियो बनाऊंगा। अभी सुबह सुबह आके स्टार्ट किया, अभी एक ट्रांसफर कर रहा था लेकिन वो उसका कस्टमर केस निकल आया तो वो आगे मैंने ट्रांसफर नहीं किया। तो ये है कि माइक भी टेस्ट हो रहा है साथ साथ। कल वाली वीडियो में तो काफ़ी बैकग्राउंड नॉइस जो है कैच कर रहा था, आज कोई जी ब्रेक थी और ब्रेक खत्म हो गई और आवाज़ की जो सेल्स हैं अभी महसूस हो गई तो तकरीबन 3 ट्रांसफर थोड़ी सिक्स लगाई और एक थी ठीक लगाई। Well, देखते Hello, this is Alan. How are you? Hello, hi. This is Michael, and I recorded line. Okay, really good. Thank you for that. Hey, this talk is about additional Medicare benefits. Do you have Medicare for the Army? Yes. Hi, this is Michael, and I recorded line. How are you? Great. This one is in regards to inquiry about Medicare. You have Medicare Part A and B, right? तो जी अभी टाइम हो रहा है 1:32 और सीन ये है कि ट्रांसफ़र कोई और नहीं हुई, मेरी 3 ट्रांसफर हुई हैं। सी आर एम भी कल का अपडेट नहीं हुआ, क्या बता रहे होता है नहीं होता, अभी छुट्टी होने वाली डेट नहीं होता है छुट्टी में। तो एक न्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि भाई कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक 15 लीटर से जो हमारी टीम है, पहले यहीं पर डायरिंग करते थे वो 15 लीटर बना के आगे हमारे अपनी एक टीम है और ये है कि हम कल उनसे बात करेंगे वीडियो आएगी उसमें वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे मुझे कितना एक्सपीरियंस है कहाँ कहाँ से हो गए वो कहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, देखें ये वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए कि बंदा कहाँ से आता है और कहाँ पहुँचता है। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप समझें कि यार मैं बहुत दूर गाँव में रहता हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता या फिर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ लाइक मैट्रिक की हुई है मैंने तो मैं ऐसे नहीं कर सकता या मैं की हुई है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। काम करने वाला बंदा होना चाहिए। मुश्किलें जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं मुश्किल तो उसमें आती है, मतलब अगर आप दूर से हैं आप आते हैं किसी कॉल सेंटर में आपको रिहाइश का मसला होगा। ठीक है, अगर आपको रिहाइश का मसला होगा फिर आप कहेंगे कि अभी मैंने है ना आपको अपनी बताऊँ मेरे के हालांकि कज़न भी यहाँ पे मतलब पहले से यहाँ काम करे थे तो मैं उनके साथ आया था कॉल सेंटर में और फिर मैं फ़र्स्ट टाइम आया था जब मैंने ली ना 300 कॉल्स लेने के बाद मैंने कहा नहीं मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं वॉइस पे कर रहा था वॉइस पे कर रहा था तो मेरा गला दुखने लगा, मैंने कहा भाई मेरे बस की बात तो है ही नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता ना। तो मैंने जाकर कज़न को बोला कि मैं नहीं कर सकता, उसने कहा चुप करके बैठ जाओ कम हो रहा जितना हो रहा उतना करो जितना नहीं हो रहा उतना करो। शुरू में ऐसे ही होता है यार, तो हो सकता है आपको कोई कदर ना हो बट तो ये है कि आपको टीम लीड शायद सारा ना दे लेकिन आपने जहन में ये बात रखनी होती है बस हो जाएगा आस्ता आस्ता मतलब बंदा यूज़ टू हो जाता है। जब एक दिन गुजरा दो दिन गुजरा मैं उस पर यूज़ टू हो गया, ठीक है ना मुझे नींद आने आती थी रात को ठीक है उसके बाद एक दो दिन के बाद शुरू शुरू में तो नींद भी आती है बंदे को बना कहता किधर फंस गया हूँ मैं। ठीक है, फिर एक दो दिन के बाद जब बंदा यूज़ टू हो जाता है चीज़ों में फिर उसको नींद भी नहीं आती। ठीक है, और उसको ये होता है कि मतलब बता चीज़ों का काम का यूज़ हो जाता है। ठीक है,
तो फिर वो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, आप 1200 कॉल भी लेते हैं 1500 कॉल भी दिन के लिए, आपको पता ही नहीं चलता आपका हंसी हंसी मजाक के टाइम हो जाता है, ठीक है। और सबसे मज़े की बात होती है जब मंथ एंड पे सैलरी मिलती है ना बंदे को, नए नए बंदे को नई नई जॉब सैलरी मिलती है, तो वो जो पीछे मंथ में वो होता है वो सब कुछ भूल जाता है, बंदा कहता है कि भाई मैं तो करूँगा, ठीक है। वो जब पैसा आता है ना किसी की भी जेब में, यार जो भी लोग आते हैं दूर दूर से आते हैं, कोई अमीर है या गरीब है, जब उसकी जेब में पैसा आता है ना तो वो फिर बहुत मोटिवेट होकर काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ हमेशा मुश्किल होता है, आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं डालना। स्वामी जी के एक बार ना एक बंदा आया मेरे पास पंजाब से, पंजाब के किसी एरिया से आया था, मुझे नाम नहीं बताता, नाम बताना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, वेल दिस कॉल इज अबाउट एडिशनल मेडिकेयर बेनिफिट्स, डू यू हैव मेडिकेयर पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ एक्टिव? Okay, and how old are you right now? What is your age? 75 years old. Got you there. As you know, this is special enrollment period 2024 and it started from 1st of April last month. This is the time where everyone is getting their new benefits for the year 2024, like a groceries card to buy your groceries free, a utility card to pay your utility bills, money back on the social security, lower down your co-payments. You will get increase in your coverages and a lot of other stuff as well. But before that, I want to ask you, do you have any other insurance besides Medicare, like Humana, Aetna, United Healthcare, Blue Cross, Cigna, Wellcare, or any other that you have? बता रहा था उस बंदे के बारे में कि वो जब आया यहाँ पे उसका इंटरव्यू हुआ, ठीक है, हालांकि सिलेक्ट भी हो गया वो, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद जब उसने एक दिन ट्रेनिंग में रहा, वो ट्रेनिंग हुआ, ठीक है, ट्रेनिंग हुई, दूसरे दिन जब डायलिंग में बैठा तो उसने कहा कि मैं काम कर रहा था, मुझे उसने मैसेज किया कि बाहर आए उसे मेरे, क्योंकि फ्रंटर्स का तो फ्लोर है, दूसरी साइड का फ्लोर है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं तो काम नहीं कर सकता, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं तो समझता ही नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने कहा भाई आपको इंग्लिश नहीं आती, आप लो आए तो समझ सकते हैं, यस नो अवटार भी जब आप काम कर रहे हो, आप बटन दबा रहे हो, कंप्यूटर खुद बोल रहा है, सारे कस्टमर यस के नो का जवाब देता है, आपको इतनी समझ तो आती है, कहता है यार मैं नहीं काम कर सकता, मुझे नहीं बोल रहा, उसने एक और जवाब भेजा वहाँ पे भी नहीं, फिर एक और जवाब भेजा वहाँ पे भी नहीं, ठीक है। तो मतलब वो उसका ये सीन था कि वो डर गया था चीज़ें देख के, मतलब पीछे तो वो नए नए देखे ना चीज़ें, वो क्लास आ गया था। उसके बाद जब वो मतलब वो यहाँ से छोड़ के चला गया, उसने कहा मैं जाऊँगा, जब वो चला गया उसके बाद वो मुझसे कॉन्टैक्ट में था, तो थोड़े ऐसा ही बाद उसने कुछ और काम शुरू किया अपने, मतलब घर पर बैठे थे ऑनलाइन काम शुरू किया, तो जब वो यूज टू हो गया अपने कामों का, तो मुझे मैसेज करता है कि भाई अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब आप मुझे वापस। यही बात होती है कि आपने किसी ने भी डरना चलना नहीं है, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बताने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब पता होता है वैसे हर बंदा गुजर के जाता है इस फेज में से, शुरू के फेज में से, नए लोग मेरी वीडियो अक्सर नए लोग देख रहे थे, मैं इसलिए नए लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये लाभ हिसाब के लिए। और मिलते हैं कल की वीडियो में, कल की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है, तो मिलते हैं कल।